जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जय कुमार और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले राशन THR तथा गर्म पका भोजन के बदले सूखा राशन के बारे में। जहां दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यहां पर ऑनलाइन आवेदन किए गए थे THR तथा गर्म पके भोजन के बदले सूखा राशन के लिए, उन लोगों का यहां पर टोकन जो है प्राप्त हो चुका है। टोकन को आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी भेज दिया गया है। और आप जब अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करेंगे तो वहां पर भी आपको टोकन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखते रहे, ताकि यदि आप भी आंगन केंद्र के लाभार्थी हैं या गर्भवती महिला हैं या स्तनपान कराने वाली महिला हैं, पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को इनका लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं समेकित बाल विकास योजना ICDS की तरफ से यह निकाला गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले राशन THR तथा गर्म पका भोजन के बदले सूखा राशन। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिशा निर्देश दिया गया है, पूर्व में निबंधित लाभुकों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा कूपन या टोकन प्राप्त होगा, या तो उसके रजिस्टर मोबाइल पर प्राप्त होगा या तो आप ICDSC@online.bi.nic.anganma.in पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको भी हम दिखाएंगे यहाँ पर इस वीडियो में। इसके साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं से निबंधित लाभुक अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, आधार नंबर तथा पासवर्ड डालकर कूपन और टोकन को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है SMS या वेबसाइट से प्राप्त कूपन टोकन को सेविका को देना है। जो आपको SMS या जो वेबसाइट के माध्यम से टोकन या कूपन प्राप्त हुआ है, वह आपके आंगनबाड़ी क्षेत्र के सेविका को दे देना है। उसके बाद सेविका से सूखा राशन प्राप्त आपको करना है। यहाँ पर आप जब उनको टोकन देंगे तो आपको जो यहाँ पर सूखा राशन मिलेगा तब मिलेगा जब आप उनको टोकन देंगे। टोकन आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से आया होगा, हम आपको दिखाएंगे कि टोकन किस प्रकार से आता है। दिए गए आंगन ऐप के वेबसाइट पर लाभुक अपना मोबाइल नंबर कभी भी स्वयं बदल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेविकाओं का कार्य क्या है। सेविका के लिए यहाँ पर कार्य भी दिया गया है, प्ले स्टोर से आंगन लाभार्थी ऐप डाउनलोड करना है, अपने यूजर आईडी से लॉगिन होना है तथा डाटा सिंक करना है। लाभुकों द्वारा दिए गए जो आप कूपन और टोकन देंगे सेविका को, उनको डालकर लाभार्थी का वेरिफिकेशन करना है सेविका को। उसके बाद लाभार्थी को सूखा राशन देते हुए सर्वर पर अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर सेविका को भी यहाँ पर काम करना है और आपको जो टोकन प्राप्त हुआ है उसको भी सेविका को देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूरभाष संख्या भी जारी किया गया है और यहाँ पर ईमेल आईडी भी जारी किया गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है मैसेज कूपन का जो है मैसेज यहाँ पर प्राप्त हुआ है, आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार गवर्नमेंट, जो कि यहाँ पर मैसेज आया है, यह 16 दिसंबर 2020 का मैसेज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पोषाहार, जो कि दिसंबर से मार्च के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोषाहार जो कि दिसंबर से मार्च के लिए है। यहाँ पर आप बेनिफिशियरी आईडी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है बेनिफिशियरी आईडी, जो आपका आईडी है। इसके बाद यहाँ पर हमें 4 टोकन प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं। टोकन पहला 14,030, दूसरा यहाँ पर 13,102, तीसरा 13,211 और चौथा जो है यहाँ पर 12,854 है फॉर आंगनबाड़ी के लिए। तो फ्रेंड्स, यह चारों टोकन को आपको उस सेविका को देना है, अपने आंगनबाड़ी क्षेत्र की जो सेविका है उनको यह टोकन देना है। टोकन देने के बाद वो आपको सूखा राशन देगी। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी आपको SMS के माध्यम से भी टोकन के लिए मिल जाएगी। अन्यथा आप यदि आपको मोबाइल पर SMS के माध्यम से कूपन या टोकन नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप किस प्रकार से वेबसाइट के माध्यम से टोकन प्राप्त कर सकते हैं, आइए हम आपको इसकी भी जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के इस पोर्टल पर चले आना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इस पोर्टल पर आते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहले से निबंधित बच्चे, स्तनपान कराने वाली महिला तथा गर्भवती महिला से संबंधित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना, एक परिवार का एक ही रजिस्ट्रेशन होगा तथा पति एवं पत्नी के नाम से यदि अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो गया है तो दोनों आदमियों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, इसे आप अति आवश्यक समझे, यहाँ पर यह इंगित किया गया है। दूसरा,
यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर यूजर अपना टोकन प्राप्त करे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं रजिस्टर यूजर अपना टोकन प्राप्त करे। तो दोस्तों यहाँ से आप टोकन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है रेट पर टोकन प्राप्त करने के लिए, यहाँ क्लिक करें और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट टोकन का जो यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे चले आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना आधार नंबर, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद 4 अंकों का पासवर्ड आपको मिला होगा उस टाइम में, देन यहाँ पर आपको नीचे में कैप्चा कोड को फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक करना है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर पासवर्ड प्राप्त करने का ऑप्शन है, तो आप पासवर्ड को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सारी जानकारी को फिलअप कर लेंगे, देन यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर सारी जानकारी को फिलअप कर लिए हैं, देन यहाँ पर लॉगिन करे पर हम क्लिक करेंगे और जैसे हम लॉगिन करे पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं आ जाएगा। यहाँ पर मदर या फादर्स नेम, जो बच्चे के मदर एंड फादर्स नेम है, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पर दोनों आदमियों का यहाँ पर आधार नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर जो है FSC कोड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लाभार्थी टाइप जो है यहाँ पर क्या है, तो स्तनपान कराने वाली महिला है। इसके बाद कौन सी जाति से यहां पर आप देख सकते हैं, जेंडर कौन सा है यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर जो उसको टोकन प्राप्त हुआ है यहां पर उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टोकन जो है यहां पर जनवरी का जो है 13,102 है और यहां पर दिसंबर का टोकन 14,030 है। यहां पर बेनिफिशियरी आईडी को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही टोकन को आपको सेविका को देना होगा और इस टोकन को जब आप उसको देंगे तो आपको जो है उसके बदले में सूखा राशन प्राप्त करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप डैट कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और फ्रेंड्स आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप अपना टोकन इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अंत में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।